गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हैं आप लोग? मेरे विश तिवारी ब्लॉग चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं रेडी हो चुका हूँ ऑफिस निकलने का, टाइम हो गया है और यह रहा हमारा लक्ष्य जो कि हमारा हेल्प कर रहा है गेट खोलने में। गैरेज का गेट खुलेगा, अपना गाड़ी निकलेगा, उसके बाद हम लोग निकलेंगे ऑफिस के लिए। अरे अरे वाह, काफ़ी दिमाग लगाता है ये, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाता है। आज इसका स्कूल जो है आज क्लोज है, आज पलक गई है, दीदी गई है ना। हाँ। आज इसके दीदी का एग्ज़ाम था, कल इसका था। एक दिन वो जाएगी और एक दिन लक्ष्य जाएगा, क्या गैपिंग है और गैपिंग देख के तब एग्ज़ाम है। हो गया हो गया, निकल जाएगा, हो जाएगा। हाँ, चोट लग जाएगा, चोट लग जाएगा, खचरई नहीं चोट लग जाएगा, बदमाशी मत करो। और ये अपना रहा सवारी जो कि हम लोग निकालेंगे अभी, नहीं साउंड मत करो, पहले इसको खोल लेते हैं और उसके दीदी हम ही पता नहीं साइड कर देते हैं इसको। अब निकलेगा वो अपना सवारी और अपना ये गाड़ी निकलेगा टिकना। चलिए अपना गाड़ी निकल गया, अब हम लोग क्या करेंगे? गाड़ी नहीं, अभी बाबा का साइकिल जो है निकालेंगे, ठीक है। एक साइकिल निकाल देते हैं, चलिए बंद हो गया, अब निकला जाए ऑफिस। ये रहा चाबी, चला गया ऊपर। ऑफिस भी पहुंच गया और साफ सफाई भी हो गया, पूजा पाठ भी हो गया और इसके साथ में एक वर्क भी आ गया है, मैं आप लोगों को दिखाता हूं। एक कार्टेज है जिसको रिफिल करना है,
सारा कार्टेज का साफ सफाई हो गया एकदम नीट एंड क्लीन। पूरा खोल के एक पार्ट यहाँ पर और दूसरा पार्ट यहाँ पर देखिए एकदम चमकता हुआ। कैप गियर ये सारा हो चुका है साफ सफाई। और यहाँ पर अपना ड्रम मैग्नेट ये सब चीज़ हो गया है। अब इसमें ये आपका 12A कार्टेज है, ये प्रोडक्ट का इंक इसमें रिफिल करेंगे करके उसके बाद कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं। मैंने इसको रीअसेंबल कर दिया सीआई भर के और मैंने जो सीआई का यूज़ किया है ये आपका प्रोडक्ट का यही है जेब्रा 12-15। मैं इसको अब टेस्ट करके आप लोगों को दिखाता हूँ। ये मैंने टेस्ट करके भी ला दिया पेज को और ये देखिए बहुत ही खूबसूरत प्रिंट आउट आया है इसमें, आप लोग देख सकते हैं। और मैंने इसको पूरा वीडियो मैंने नहीं दिखाया इसलिए कि ऐसा मत बोलिएगा कि भाई वीडियो पूरा आपने नहीं दिखाया, कैसे रिफिल करते हैं कैसे नहीं करते हैं। और ये अपना रहा प्रिंट आउट, आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं, उसमें कार्टेज से रिलेटेड वीडियो बना हुआ है, आप उसको देख सकते हैं कि कैसे कार्टेज को रिफिल करते हैं और कैसे उसको अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो कैसे उसको सुधार सकेंगे, क्योंकि रिफिल करना अब आम बात हो गया है। बहुत ऐसे यूजर होते हैं जो अपने से भी कर लेते हैं, तो इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं है। अगर ना समझ में आए तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके और मेरा वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें कार्टेज से रिलेटेड वीडियो डाला हुआ है। देखिए मैं एक वर्क कर रहा हूँ अभी, ये आपका मदरबोर्ड है सीपीयू दिख रहा होगा आपको अभी जो स्थिति है देखिए लाइट का, इसलिए मैंने पूरा शूट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि आज थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है बिजली के चलते। और ये देखिए गंदगी कितना भरा हुआ है, काफ़ी गंदगी था और इसको मैंने अभी साफ किया है। इसमें प्रॉब्लम था, कस्टमर का कहना है कि सडनली ऑन और ऑफ हो जा रहा है। मैंने खोल के देखा तो काफ़ी डस्ट था, बहुत ज़्यादा डस्ट। अभी साफ किए हैं, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। आपका सीपीयू फैन है, अभी क्लीन कर रहा हूँ मैं। मिट्टी देखिए रहे हैं कितना, बहुत ज़्यादा मिट्टी था, बाहर निकाल के साफ करना पड़ा। ये अपना हीट सिंक जो क्लीन हो चुका है, ये काफ़ी जाम हो गया था, यानी कि अगर पंखा चलेगा भी तो सीपीयू को यहाँ पर लगता है ये सीपीयू को हवा मिलेगा ही नहीं, अगर एयर नहीं मिलेगा तो ओवरहीट करेगा बंद हो जाएगा। अभी इसके कैबिनेट को भी हम लोग साफ करेंगे। कैबिनेट की स्थिति देखिए पूरा एकदम मिट्टी से भरा हुआ है, काफ़ी मिट्टी है इसमें। और लाइट, अभी लाइट का जो सिचुएशन है काफ़ी ख़राब है, आप लोगों को दिख रहा होगा कि लाइट अभी है लेकिन एक्चुअली में लाइट है नहीं। अभी ट्रांसफार्मर से कुछ ब्लास्ट होने का आवाज़ मिला है और उसके बाद ये पूरा डिम हो गया, इसका मतलब कि कोई ना कोई सप्लाई फेज जो है वो डाउन हो चुका है। अभी बिजली विभाग से मिस्त्री आएंगे अपना ठीक करेंगे, मैंने इसको क्लीन कर दिया है। अब देखते हैं कि इसका टेस्टिंग कैसे कर पाएंगे, चूँकि इस वोल्टेज पर तो होगा नहीं क्योंकि UPS लोड ही नहीं लेगा। और रहा बात चेक करने का, तो कस्टमर मेरे सामने ही बैठे हुए हैं, इनका बगल में ही ऑफिस है तो वहीं पर ले जाकर चेक कर लेंगे। पहले इसको फिट कर लेते हैं बढ़िया से साफ़ सफाई करके। अभी मैं फ़ैन क्लीन कर रहा था, एक बार कैबिनेट को साफ़ करेंगे क्योंकि काफ़ी डस्ट है, ये काफ़ी समय से ओपन ही नहीं हुआ है। चलिए इसको फिक्स करके आपको दिखाते हैं थोड़ी देर में। देखिए सिस्टम भी रेडी हो गया और चलने भी लगा। और इसमें प्रॉब्लम क्या था कि इसका जो SMPS था उसी के चलते ये प्रॉब्लम कर रहा था और डस्ट भी काफ़ी था, उसको भी मैंने साफ़ कर दिया। अभी रनिंग में है और अपने पास ये कंप्लीट नहीं हो पाया क्योंकि लाइट जो था वो काफ़ी डिस्टर्ब है, आज ट्रांसफार्मर जो है थोड़ा सा ब्लास्ट पड़ गया है। अभी यूजर अपना वर्क कर रहे हैं और सिस्टम जो है बहुत ही अच्छी तरीके से रन कर रहा है। ये जस्ट मेरे बगल में ही है इसलिए मैं सोचा कि यहीं पर रेडी कर देते हैं। और देखिए सिस्टम अपना रेडी हो गया, ये भी वर्क डन हो गया और लाइट का जो स्थिति है काफ़ी दयनीय है, चूँकि थोड़ी देर ही पहले
हम लोगों के बगल में ही ट्रांसफार्मर इसका हमारे फ्रिज का लगा हुआ है, तो ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट होने के चलते साफ एकदम डीम वोल्टेज हो गया है, कुछ भी रन नहीं कर रहा है। अभी भी मैं देखिए विदाउट पंखा कहीं बैठा हुआ हूँ। अब देखिए आते हैं मिस्त्री वगैरह आएंगे लोग, आके उसको ठीक करेंगे, देखा जाएगा क्या होता है। और उस सिस्टम में पहले तो डस्ट काफ़ी था, तो उसको मैंने साफ़ सुथरा किया, साफ़ सुथरा करके ले गए टेस्टिंग के लिए। चूँकि बगल में ही यूजर हैं तो उनका टेस्ट किया गया, चेक किए तो देखिए पता चला कि ये जो SNPS है, दिख रहा होगा आप लोगों को, ये डैमेज था। मे भी हो सकता है कि अभी ट्रांसफार्मर उड़ने के चलते, वो बता भी रहे थे कि जस्ट थोड़ा देर ही पहले ये प्रॉब्लम हुआ है, तो हो सकता है कि ट्रांसफार्मर जो भी ब्लास्ट किया है उसके चलते उसका कुछ असर पड़ा हो, शॉर्ट सर्किट हुआ हो, उसी के चलते ये सिस्टम जो है सडनली ऑफ और ऑन हो रहा था। और जब लेकर आए तो मैंने देखा कि डस्ट भी काफ़ी है, तो मैंने उसको भी साफ़ सुथरा कर दिया और उनका SNPS जो है मैंने रिप्लेस कर दिया। सिस्टम अच्छी तरीके से रन कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी वो बैठ के चला ही रहे हैं। यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे भी तिवारी ब्लॉग चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत। I'm not the one who's running out of time.